स्टार्ट जी आहिस्ता आहिस्ता अपनी बॉडी को हल्का हल्का लेफ्ट राइट मूव करें ये देखिए जब भी आप कंधे के पास जाएं तो कोशिश करें इतना घूमें कि आपको दूसरे पांव की एडी नजर आए उधर पांव की थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन eight, nine एंड ten. फुल बॉडी वर्कआउट का मतलब क्या है सारी बॉडी को हमें स्ट्रेच करना है सारी बॉडी को हमें एक अच्छी शेप में लेकर आना है गुड शेप प्लस एनर्जी को हमें एनर्जाइज करना है बॉडी को एनर्जी को हमें बूस्ट करना है ओके okay, जी दोनों बाजू फैलाएंगे रोटेशन के साथ लेट स्टार्ट वन पीछे से थोड़ी सी एड़ियाँ उठाइए ये देखिए three four five six seven eight nine one more. Ten. dushi taraf One, two, three, four, five, six. seven, eight, nine, ten, गुड हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे पूरी बॉडी को एक बार हरकत में लेकर आएंगे कमर बड़ा सराउंड बनाइए कमर से वन टू थ्री फोर फाइव सेवन एट नाइन टेन नौ दूसरी तरफ जी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन बात करें ओके जी दोनों हाथ घुटनों पे रखेंगे थोड़ा सा फेस ऊपर कीजिए घुटने बैंड करेंगे ब्रीदिंग करेंगे यहीं पर घुटने बैंड करेंगे फेस आप करेंगे ये देख वन आपको घुटनों के अंदर कड़कड़ -कड़ की आवाज आएगी ओके थ्री ऊपर छत को देखना है फोर मैक्सिमम पीछे जाइए फाइव सिक्स सेवन घुटनों का खास वर्कआउट है एट नाइन वन मोर टेन और दोनों हाथों को लॉक लगाइए और ये देखिए अपने चेन के नीचे दोनों हाथ लॉक लगा कर रख लीजिए और दोनों एल्बोस अपने नीच में रखिए इन एंड आप ये देखिए वन अब थोड़ा और नीचे जाएंगे टू थ्री फेस अप फोर फाइव टेन तक जाना है सिक्स सेवन एट नाइन वन और ऊपर आ जाए breathe नाउ Breathe. दोनों हाथ खुट्टों पे और दोनों पाओ साथ में लाइए थोड़ा सा पाँव में फासला है बस और घुटनों को रोटेट करेंगे आप वन टू थ्री फोर फेस ऊपर, फाइव सिक्स सेवन दूसरी तरफ जी, वन टू बड़ा सा राउंड बनाइए थ्री फोर फाइव सिक्स वन मोर एंड सेवन और दोनों पाओ में फासला ओके जी अभी लेफ्ट हाथ यहां पे आएगा राइट हाथ पीछे लेकिन इन के साथ लेफ्ट वन अच्छा प्लीज वापस आइए थोड़ा कर लें स्लो कर लें लेकिन हर पोस्टर के अंदर रेंज ऑफ मोशन बढ़े प्लीज मुझे देखिए अगर यह हाथ यहां पर है तो यह पूरा हिस्सा जैम है हमारा एनर्जी नहीं है प्लीज पहले देख लें सांस लेके होल्ड करके फिर स्लो स्लो पोस्चर को बढ़ाएंगे स्ट्रेच करेंगे अपना रेंज ऑफ मोशन का जो आपका जो एरिया है यानी एक्स्ट्रा आप और पीछे की तरफ जाएंगे प्लीज ज़रा देखिएगा ब्रीद इन करेंगे पहले आप देखेंगे ये देखिए आप नॉर्मल हालत में मैं यहां पर आया हूं अब सांस को मैंने रोका है अब ये देखिए ये एक्स्ट्रा मैंने थोड़ी स्ट्रेच कर ली है ये ये थोड़ा और आगे लेकर गया हूं लेकिन पता चलता है बॉडी का कि कहां पे रुकना है तो वो रुकिएगा जरूर लेकिन हर बार थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करें ओके जी नाउ राइट साइड पे सेम साइड लेफ्ट हाथ यहां ब्रीद इन स्लो स्ट्रेच वाफ नो लेफ्ट साइड पीछे थ्रू थ्री फोर स्लो स्लो फाइव आई बॉल्स भी साथ घूमे सेठ दस तक जाएंगे सेवन स्लो स्लो एठ पूरा पेट भी स्ट्रेच होगा नाइन वन मोर टेन ओके वापस जब आप स्लो करते हैं तो बॉडी के बाहर के मसल्स के साथ साथ अंदर के जो मसल्स हैं ना वो तक स्ट्रेच हो जाते हैं ना डीप ब्रीदिंग सर था राइट हाथ ऊपर लेफ्ट हाथ पीछे अपर ट्रांक सीधा ये देखिए ये. वन फिर दूसरी तरफ जी टू इस हाथ को देखिए थ्री हाथ को देखिए फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन वन बो टेन rewind करना है अपने आप को जो भी प्रेशर आए हैं बॉडी पे उनको उतारना है ओके okay, जी in. Breathe out. दोनों घुटने बैंड और दोनों हाथ ऊपर और इन लेट्स स्टार्ट जाइए जरा देखिये खोलें और और थोड़ा नीचे फेस आप और बॉडी wow. well को स्ट्रांग भी बनाना है खूबसूरत भी बनाना है अगेन ब्रीद को लेके होल्ड करके रखें और फिर थोड़ा सा होल्ड में बॉडी को और स्ट्रेच करें अगेन घुटने नीचे और थोड़ी बैक पे पीछे जाइए और बॉडी ऊपर स्ट्रेच थ्री, वेल डन अगेन वेल डन well Six, seven, eight, nine. One more. Ten. वाह wow, जी वाह दोनों हाथ नीचे लेकर आएंगे देखिए नीच पे हैं फेस आप आगे से फेस आप और जरा जोर से आके खोलिए और आंखों को यहां पे रोटेट कीजिए लेफ्ट टू राइट पूरी आंखें घुमा दें ऊपर नीचे दाएं बाएं नो राइट टू लेफ्ट और ओके घुटने बैंड ये देखिए बैंड योर और आइए इधर फेस ऊपर और और राइट हाथ सामने लेफ्ट हाथ सामने दोनों बाजू फैलाएंगे ब्रीदेन के साथ फेस आप देखिए दोनों हाथ मिडल में रखेंगे ये और बैक से आप और साथ ही राइट साइड पे बैठ जाएंगे ये देखिए गुड स्लो स्लो लेफ्ट लेग बिल्कुल स्ट्रेट है स्लो स्लो जल्दी नहीं ओ बिल्कुल ठीक हो गया अब राइट हाथ नीचे रखिए लेफ्ट हैंड आप और स्ट्रेच कीजिए ऊपर और और ऊपर और, और। अब थोड़ा सा ऊपर वाले हाथ को और पीछे लेकर आइए ये देखिए ऊपर से और स्ट्रेच करें ओके वापस स्विच दूसरी तरफ लेफ्ट हाथ नीचे है राइट लेग स्ट्रेट हो गई है स्लो स्लो अगर नहीं होता तो उसको जोर जबरदस्ती ना करें आहिस्ता आहिस्ता ना और राइट हैंड आप देखिए राइट हाथ ऊपर गया और फिर राइट हाथ ऊपर से ही ये देखिए ऐसे पीछे लेकर जाइए और, और, यस यस स्ट्रेच ओके वापस और खड़े हो जाएंगे राइट पो को आगे ले आइए अपने राइट पो के राइट पो को आगे अब देखिए ऐसे हो जाए ना ऐसे अपना आप बिल्कुल इस तरह मेरी तरफ फेस है आपका सामने आपकी बॉडी ऐसे नहीं रहनी चाहिए ये देखिए जिधर मेरा पांव है गुड स्लोली बैंड 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 और हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं लेफ्ट हाथ पीछे रखिए ये देखिए और स्लोली राइट हैंड आप आगे वाला कुटना और बैंड ओके राइट हाथ ऊपर से राइट right साइड पे जाएगा ये देखिए राइट साइड ऊपर राइट गुड और थोड़ा वापस लेफ्ट no, साइड पे टर्न बैंड योर लेफ्ट नी राइट हाथ पीछे है बैंड योर लेफ्ट नी बट वेरी स्लो राइट हाथ पीछे गो डाउन और नीचे नीचे राइट हाथ देखिए पीछे और लेफ्ट हैंड आप ऊपर गया हाथ दरमियान में से नीचे ऊपर से लेफ्ट हाथ देखिए लेफ्ट साइड पे देखिए कितनी जबरदस्त स्ट्रेच जो आ रही है चेस्ट पे और लेफ्ट हाथ को टर्न होके देखिए भी एंड वापस अगेन राइट में आगे राइट साइड पे टर्न दोनों हाथों को आप लाख लगाएं पीछे हमने अपने घुटने पीछे से हाथ उठा के घुटने को टच करने की कोशिश करेंगे घुटना सीधा रखिए बैंड नहीं करना जी जितना हो सकता है आगे आएंगे और और आगे अब जी लेफ्ट हाथ पीछे होगा राइट हैंड आप अगेन लेफ्ट हाथ पीछे है राइट हैंड आप और आप यस अब राइट हाथ को राइट पाओ के बाहर रखेंगे ये देखिए जी दरमियान में से नीचे हैं और लेफ्ट हैंड देखिए आगे गया लेफ्ट हाथ आगे स्ट्रेच कीजिए दरमियान में से जाइए नीचे ये डॉन से ये देखिए डॉन और, और हाथ को देखेंगे अब दोनों हाथ नीचे रख लें फेस आप ब्रीदिंग बोथ हैंड आप दरमियान में से नीचे जाइए ओ ओके वाह लेफ्ट आगे कर लें बैन लेफ्ट नी सॉरी दोनों हाथ पीछे पीछे से हाथ उठाएंगे और बेंड करेंगे अपने घुटने की तरफ उठाइए हाथ भी पीछे से और दोनों हाथ ऊपर हैं घुटने की तरफ जाइए और अब राइट हाथ पीछे आएगा लेफ्ट हैंड आप और आगे वाला घुटना बेंड बेंड योर फ्रंट नी दरमियान में से नीचे जाइए और और अब लेफ्ट हाथ बाहर आ गया राइट हैंड आप ये देखिए आप और स्ट्रेच करें दरमियान में से जाइए नीचे अब राइट हाथ भी नीचे लेकर आइए फेस आप नो बोथ हैंड आप ये देखिए दरमियान में से जाइए नीचे ऊपर और और वापस। मैट के अगले हिस्से पे आगे थोड़ा रुक जाए खामोशी से ओके जी ब्रीदेन अप एंड स्लोली तो। वाह, वापस, वापस। गुड। बॉडी ऐसे कमान की तरह लचकदार बनानी है अच्छा हुआ बहुत अच्छा आपका पोस्चर हुआ अगेन ब्रीदेन अप एंड बैकूफ बैंडिंग ओके नो फॉर द यस ये देखिए जी हो oh, कोई जल्दी नहीं है मेडिटेशन बनाए अपने इस पूरे वर्कआउट को स्लो फॉरवर्ड बैंडिंग स्लो स्लो यहीं से दोनों हाथ अपने अपनी बैक के ऊपर ले जाइए और पीछे से हाथ ऊपर उठाइए हो oh, मिनटों के अंदर रिलैक्स करने वाला पोस्चर है ये पीछे से हाथ फोल ऊपर उठ रहे हैं आगे से घुटनों की तरफ सर जाए और उठाइए पीछे से हाथ अब यहां से आपने अगेन इन अप एंड बैकवोर बैंडिंग दोनों हाथ ऊपर ले जाते हुए हाथ नीचे रखिए अपने मैट पे रिलैक्स करें थोड़ा थोड़ी देर फॉवो बैंडिंग इजी हो यहां पर और इजी हो थोड़ा थोड़ा आगे ओके जी राइट पाँव को पीछे ले जाएंगे राइट right, घुटना जमीन पर टच नहीं करना स्टेप बैक योर राइट लेग देखिए राइट पाँव पीछे गया फेस आप कीजिए यहीं से दरमियान में से नीचे जाइए फेस आप करें और और राइट हाथ पे वजन डालते हुए लेफ्ट हैंड आप लेफ्ट हैंड आप और आप और ऊपर से पीछे की तरफ आगे वाला घुटना थोड़ा सा बाहर की तरफ पोष करें और ऊपर वाला हाथ पीछे और ये ओके okay, वापस आएंगे यहीं से अपना लेफ्ट पॉव पीछे ले लें एंड डाउनवर्ड हाथ पीछे जाए बॉडी डाउनवर्ड फेसिंग डॉग स्ट्रेचिंग में और या, राइट उठा के आगे पॉँ फॉरवर्ड यू राइट फुट देखिए दरमियान में से नीचे फेस आप दरमियान में से नीचे फेस आप आंखें खोलिए जरा जोर से और जो स्ट्रेच कर लें थोड़ा ये लेफ्ट हाथ पे वजन डालते हो राइट हैंड आप थोड़ा सा आगे वाला घुटना बाहर की तरफ जाएगा दरमियान में से नीचे आए और ऊपर वाला हाथ थोड़ा पीछे जाए और ओके वो आपस गो फॉर डोनोटैक स्ट्रेच योर बॉडी बैक मैंने पहले बताया आज आपका फुल बॉडी वर्कआउट है बैक पे बॉडी को स्ट्रेच करें बैक पे भरपूर स्ट्रेच करें और पीछे और नो ब्रीद एन अपवर्ड वर्ड फेस आप जी ये देखिए अच्छा फेस आप है मुझे देखिए थोड़ा सा ये देखिए बॉडी को आगे की तरफ खींचिए ये ये आगे और यहीं से फेस आप छत को देखने की कोशिश करेंगे तब जाके आपका पेट वाला हिस्सा स्ट्रेच होगा और अगेन गो फॉर डाउन पीछे स्ट्रेच कर ले। नो लेंदिन अगेन जो स्ट्रेच करें और ऊपर आंखें स्ट्रेच करें थोड़ा आगे और अगेन गो फॉर डाउन स्ट्रेच राइट पां को उठा के आप राइट हाथ के एक फुट बाहर रखें ये राजी ओ, ये देखिए राइट पाओ राइट हाथ के एक फुट बाहर रखा अब ये देखिए दरमियान में से जाइए नीचे वन अच्छा जी यहाँ पे आपने राइट हाथ ऊपर उठाना ये वन फिर ये हाथ नीचे जाएगा अंदर की तरफ टू फिर अंदर की तरफ नीचे जाएगा थ्री फोर वन मोर फाइव वापस डाउनवर्ड आ चले योर बॉडी बैक और पीछे लेफ्ट को उठा के लेफ्ट हाथ के एक फुट बाहर रखिए ये दरमियान में से जाइए नीचे दरमियान में से मैक्सिमम नीचे और नीचे फेस आप अब लेफ्ट हाथ यहाँ से देखिए नीचे गया ब्रिजन आप टू थ्री फोर वन मोर फाइव वापस डाउनवर्ड ढाक में जाइए और यहां से अपवर्ड ब्रीदर अपवर्ड फेस आप जी और घुटने जमीन पर लगाइए थोड़ी देर चाइल्ड पोस्चर में आए पीछे शिफ्ट योर वेट ऑन योर टोस पांव पीछे से बेंड करते हुए आगे से फेस आप हाथ अपने वहीं पर रहेंगे हाथों की पोजिशन नहीं बदलनी नौ ब्रीदर आप ये देखिए देखिए कमाल का पोस्चर है पीछे से अंदर की तरफ दबाइए फेस आप और थोड़ा तब जाके पेट वाला निचला हिस्सा आपका बेहतर हो पाएगा स्ट्रेच हो पाएगा और और फेस आप ओके वापस सेम पहले वाला चाइल्ड पोस्टर <coughs> चाइल्ड पोस्टर में बैक पे शिफ्ट योर वेट ऑन योर ब्रीदिंग अगेन आप ओह फेस आप और आप अब राइट साइड से घूम के अपने पांव देखिए पांव थोड़े से अंदर दबाइए राइट साइड से टर्न फ्रॉम योर राइट साइड लेफ्ट साइड से घूम के अपने पांव देखिए पाओ अंदर की तरफ दबाइए वापस डाउन चाइल्ड पोस्टर में वापस जाइए चाइल्ड चाइल्ड पोस्टर और पीछे वजन और यस अगेन आप ब्रीद इन एंड अप पीछे से पाँव अंदर की तरह दबाइए देखिए पेट कितना स्ट्रेच हो रहा है और फेस आप और आप पेट का निचला हिस्सा पूरा निजाम स्ट्रेच करें थोड़ा लेफ्ट राइट यहाँ पे ये यह देखिए लेफ्ट राइट हल्का हल्का हो यस और ओके वापस डाउनवर्ड डाक सॉरी वापस स्वान पोस्टर में इसको कहते हैं चाइल्ड पोस्टर सॉरी चाइल्ड पोस्टर में वापस और पीछे और स्लोली आप इन फोर ये आया जी फोर एंड नो गो फॉर डोनल्ड स्ट्रेच यू बॉडी बैक इन डोनल फेसिंग डॉग स्ट्रेचिंग स्ट्रेच जॉ स्ट्रेच करें यहाँ पे अपनी टैंक टांग को स्ट्रेच करें और अपने हेड को हल्का हल्का मूव करें शेक करें जी यहाँ पर थोड़ी आवाज भी निकाली जा सकती है थोड़ा घुटनों पे आगे बैठें ऐसे बैठ जाइए में एंड और रिलैक्स योर बॉडी हेड को जो मैंने कहा शेक करें आइज को फेस को दिमाग को जो एनर्जी चाहिए अच्छा हेड को जब ढीला ढीला छो, छोड़ते हुए आपने शेक करना है आंख बंद करके हेड पर ध्यान देंगे ढीला छोड़ते हुए ऐसा भी हो सकता है जिस तरह खेल है तो खेल में लोग भाग रहे होते हैं लेकिन उसमें बॉडी को उन्होंने टाइट किया होता है उसमें कंपटीशन है उसमें एक टारगेट है लेकिन इसमें आपका कोई कंपटीशन नहीं है इसमें आपने स्ट्रेस नहीं लेनी है इसमें आपने बॉडी को ढीला छोड़ना है लाइफ का हर वाक्य हर मामला एक कंपटीशन है एक भाग दौड़ है लेकिन ये टाइम हमारा कोई कंपटीशन नहीं है हम अपने साथ हैं तो सर को जबान को आँखों को चेहरे को दिमाग को पूरे हेड को नेक को ठीला छोड़ते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग स्ट्रेचिंग के अंदर हमने शेक करना है हेड रिलेटेड कोई भी इशू है पुराने से पुराना माइग्रेन का दर्द है आँखों का मसला है कोई और प्रॉब्लम है वो हंड्रेड परसेंट आपको उसका फायदा मिलेगा वापस आ जाए दोनों हाथ यहाँ एंड अगेन कोफर डाउनवर्ड डोनवर डाग इस एक्सरसाइज को तोज्जो के साथ करेंगे पहले अपना जॉ स्ट्रेच करें यस टांग को बार जोर से स्ट्रेच करें फेस की सारी एक्सरसाइज है यहाँ पे और ओके जब अपने हेड को छोड़ें ढीला एंड शेक जो हेड थोड़ी थोड़ी आवाज़ है शे कर ओके रुक जाएंगे नौ बैक से अपनी राइट लेग को उठाएंगे योर राइट लेग आप बैक से राइट लेग स्ट्रेट आपकी राइट लेग ऊपर और मैक्सिमम ऊपर जाए मैक्सिमम राइट लेग आप ऊपर और ऊपर अब राइट right घुटना फोल्ड करके दोनों हाथों के दरम्यान रखेंगे पीजन। ये देखिए जी पीछे वाले लेग को आगे वाले घुटने की सीध में ले जाइए और ओके जी दोनों हाथ अपने नी के ऊपर रखिए और आहिस्ता आहिस्ता बॉडी को बैक पे ये। और, और बैक पे स्ट्रेच करें और, और स्लो स्लो ताकि ये देखिए निचला जो लोअर एवडामिन है ये थोड़ा पीछे आए और किडनीज थोड़े बेहतर हो जाएंगे किडनी स्ट्रेच हो जाएंगे लिवर लोअर एपडामिन और और ऊपर स्ट्रेच कीजिए अब जी यहाँ से दोनों हाथ आगे ये देखिए सीधा आगे आगे स्ट्रेच कीजिए और और पीछे वाले लेग को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें पीछे वाली लेग आगे वाले घुटने की सीध में आए और आगे यस, और आगे अब जी यहाँ से सीधा ऊपर आना है दोनों हाथ स्ट्रेट आप ये देखिए और आप कोशिश करेंगे तो हो जाएगा और और आप ओके दोनों हाथ वापस यहां नो टर्न फ्रॉम योर राइट शोल्डर पीछे वाला पाव नजर आना चाहिए और टर्न कीजिए अब जी अपने राइट हाथ को राइट साइड पे ले जाए ये देखिए राइट हाथ राइट साइड पे जाएगा और और यस राइट शोल्डर से घूम के अपने राइट पांव को देखिए जब आप राइट पांव को देखेंगे तो ही ये लेफ्ट साइड पे आपके नीचे स्ट्रेच आएगी अब मुझे देखेंगी सब लोग ये राइट एल्बो मैंने नीचे लगाई फिर लेफ्ट एल्बो भी नीचे लगाई और देखिए फेस ऊपर है मेरा आइए जी दोनों एल्बोज नीचे लगाएं फेस ऊपर गोड यस फेस आप और ओके वापस आ जाए पीछे वाला पाँव फोल्ड कीजिए फोल्ड कीजिए लेफ्ट हाथ से पकड़ लें और पाँव से हाथ पीछे खींचिए पीछे वाला पांव लेफ्ट हाथ से पकड़िए और पांव से हाथ पीछे खींचेंगे और राइट हैंड आप ये देखिए राइट हैंड आप और ऊपर और ऊपर पीछे वाला बैक स्ट्रेच योर बॉडी बैक जाइए पीछे जो स्ट्रेच करें आंख स्ट्रेच करें ओह ना लिफ्ट लेफ्ट लेग आप बैक से लेफ्ट लेग मैक्सिमम ऊपर जी लेफ्ट लेग आप और आप स्ट्रेच लेफ्ट घुटना फोल्ड करके दोनों हाथों के दरमियान सेम ये देखिए इसके ऊपर बैठना है लेफ्ट लेग के ऊपर बैठेंगे फेस आप आगे से फेस आप और आप पीछे वाले लेग को स्ट्रेट कीजिए दोनों हाथ लॉक लगा के घुटने के ऊपर और बैक पे देखिए थोड़ा थोड़ा बैक पे स्ट्रेच करें ताकि नीचे वाला लोअर एब्डोमेन वो स्ट्रेच हो और फेस आप छत को देखिए और अब दोनों हाथ आगे ये देखिए देखिए ये पोस्टर जो आज करवा रहा हूँ इसकी जो भी एडवांस हालत होती है वो मैंने फर्स्ट टाइम नहीं कराई मैं इससे पहले एक ग्राउंड तैयार कर चुका हूं अब ये आपका काम है कि हर हफ्ते आप कितना काम करते हो मैं तो उसी तरतीब से चलूंगा कि आज ये वर्कआउट दिया है तो इस वीक में इन्होंने ये काम कर लिया होगा तो अगला वर्कआउट ये है मैं उसी तरतीब से चलूंगा अगर आप बीच में वर्कआउट नहीं करते तो ये आपकी गलती है ओके okay जी दोनों हाथ सीधे ऊपर एंड आप ये आप दोनों हाथ वापस और लेफ्ट साइड से जरा घूम के देखिए टर्न फ्रॉम योर लेफ्ट साइड और अब लेफ्ट हाथ भी देखिए उठा के लेफ्ट साइड पे ले जाइए और अब लेफ्ट शोल्डर से घूम के अपना पीछे वाला फोन देखिए और टर्न स्ट्रेच तब जाके जब पौध नजर आएगा तब जाके ये राइट साइड आपकी स्ट्रेच होगी मैं हंड्रेड परसेंट कहता हूँ कि जिन लोगों की पेंक्रियाज इंसुलिन का कोई नहीं पैदा करती इंसुलिन का सिस्टम डिस्टर्ब हो गया ये पोस्चर ये ख़ास तौर पे यही इसी साइड का पोस्चर क्योंकि इससे डायरेक्ट स्ट्रेच कहाँ आ रही है राइट साइड पर तो आपका इंसुलिन का सिस्टम है ही राइट साइड पर और ये पोस्चर बड़ा हेल्पफुल है स्ट्रैच और और अब जी अपनी लेफ्ट एल्बो नीचे लगाइए और राइट एल्बो भी नीचे लगा लें फेस थोड़ा ऊपर और ओके वापस आ जाएंगे वापस आएंगे अगेन अब आपका सही वर्कआउट अभी स्टार्ट होने जा रहा है अभी तो पहले ऐसे ही था ओके <laughs> <laughs> okay, जी नो अप एंड डाउन लेट्स स्टार्ट वन टू three, four, five, six, seven, eight, nine. वन मोर Ten. होल्ड यार ये देखिए यहाँ पर और मेरी तरफ देखिए दोनों पाउ यहीं से वाइट ओ गुड अब डाउनलोड अगेन स्ट्रेच बहुत मजे का पोस्टर है जी ये नो ब्रीथन फेस आप ये देखिए दरमियान में फुल बॉडी नीचे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टेन तक जाइए सेवन एट वन मोर ट्रैन और नीचे लेट जाए दोनों पो क्लोज एंड और रिलैक्स ओके okay, नो no, राइट right घुटना देखिए फोल्ड करते हुए ऊपर यस ये ओह अच्छा ये हिस्सा ऊपर नहीं उठा उठा होना चाहिए और ऊपर ये पीछे लेग फोल्ड एन नो आगे से ऊपर उठिए ओह अब देखिए लेफ्ट साइड कितनी कमाल स्ट्रेच हो रही है राइट right साइड से घूम के पीछे देखिए राइट साइड टर्न फ्रॉम यूर राइट साइड वेल डन वापस oh, वाह yes. okay, wow. wow. पीछे ले जाए इसको अनवाइंड करें अपने आप को अनवाइंड न जाने कहां, कहां क्या क्या फंसा पड़ा है इतनी स्ट्रेसेस हैं और ये भी आपको बताऊं ये इस जिंदगी के तो मामलात हैं ही हैं हमारे जीज के साथ ये चीज मैं अपने तजर्बे से आपको बता रहा हूं हमारे जो जीन्स हैं हमारा जो डीएनए या हमारे जो फोर फादर की हिस्ट्री है वो भी कई इमोशंस कई दोस्तियां कई दुश्म, दुश्मनियाँ हमारे साथ कई बीमारियां वो ट्रांसफर हुई हैं होती हैं ये मैं अंदर जाके देख चुका तो जब ये स्ट्रेचिंग करते हैं तो डीप इनसाइड जो आपने इनहेरिट किया हुआ है वो तक बीमारियां वो तक ट्रामाज फोबियाज एंड फियर्स वो तक इससे खत्म होते हैं नो लेफ्ट लेग फोल्ड करते हुए ऊपर की तरफ ये देखिए और ऊपर पीछे वाली फोल्ड अब देखिएगा राइट साइड पे कितनी कमाल स्ट्रेच आएगी नो टर्न फ्रॉम योर राइट लेफ्ट शोल्डर तो राइट right साइड पे स्ट्रेच है और पीछे वाला राइट right खुटना बेंड इनवर्ड अंदर की तरफ और, और थोड़ा और थोड़ा और अंदर की तरफ ये ओके yes! okay, वापस डाउन आप बिगनर्स नहीं है अभी ये मेरी नजर के अंदर ओके okay, जी दोनों राइट घुटना देखिए राइट साइड पे आया जितना हो सकता है अगर मैक्सिमम नहीं हो ज़्यादा नहीं हो सकता तो नो प्रॉब्लम थोड़ा सा ही लेफ्ट घुटना देखिए लेफ्ट साइड पे आया ये, ये ये, थोड़ा थोड़ा कर ले यस ओह ये, ये फ्रॉक पोस्टर है नो आप आगे से ऊपर आइए ओह ये जी पेल्विस फ्लोर के लिए कमाल एक्सरसाइज है और फेस आप और आप राइट घुटना देखिए राइट है लेफ्ट लेफ्ट पाओ भी लेफ्ट राइट right साइड से घूम के पीछे वाला पाऊ देखिए लेफ्ट साइड से घूम के पाओ देखिए अगेन डाउन नौ पांव दोनों स्ट्रेट कर लें और रिलैक्स करें थोड़ा ओके जी राइट पों को उठा के ये देखिए जो हमने यहां पे रखना है ये अपने राइट हाथ के साथ ये देखिए ये आगे ले आइए ये।, ये ले आइए जी आगे की तरफ ये और, राइट हाथ राइट पों आगे लेकर आइए फेस आप कीजिए कोशिश करें और और स्ट्रेच फेस आप ओके इसको वापस ले जाएं लेफ्ट पाँव को लेफ्ट साइड पे लेकर आएंगे आए ये आगे ले आइए थोड़ा सा इसको आगे स्ट्रेच कर फेस आप कीजिए और यस देखिए ये पूरा पैलव फ्लोर की स्ट्रेच है ये पूरा सेट है हैस ये आपके लोअर बॉडी पार्ट्स का और नो वापस जाइए ओके okay, नो दोनों हाथों से रुकना नहीं वार्म ज़बरदस्त हुआ हुआ है नो दोनों हाथों से दोनों पाँव पकड़ लें ओके okay, जी आउट देखिए जी पाऊ पीछे से ऊपर और ये देखिए ऊपर घुटने उठ गए हैं और आप ओ वंडरफुल जी ये फेस आप और थोड़ा तो रोल कीजिए बॉडी को रोल कीजिए बॉडी को और okay, वापस, नो, टर्न करें फेस ऊपर कर लें रिलैक्स योर बॉडी दोनों हाथ अपने सर के नीचे ले जाए ओह सर के नीचे ओके okay, जी रोटेशन है दोनों लेग्स की बड़ी कमाल रोटेशन है ये देखिए वन टू थ्री टेन टाइम फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन Ten, दूसरी तरफ जी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स हिम्मत थोड़ी सी और सेवन और हिम्मत एट नाइन वन मोर ओके नो रिलैक्स इजी हो जाए जी आंखें बंद कर लें इजी हो जाए इजी हो जाए इसको हम कहते हैं योगा में इसका बड़ा जबरदस्त नाम है इस पोस्चर का शव आसना शव कहते हैं डेड बॉडी को यानी डेडली मैन पोस्चर भी इसको कहते हैं अगर आपने कभी किसी डेड बॉडी को पानी में फ्लोट करते देखा हो तो ये पोस्चर वैसे ही फ्लोटिंग पोस्चर है डेड बॉडी के पास जरूर कोई आर्ट होता है कि वो डूबती नहीं याद रखिएगा जिंदगी का फार्मूला ही यही है जो हमें दरवेशों ने और अल्लाह वालों ने बताया है कि बस लाइफ में फ्लोट करें ऐसे हो जाएं ऊ तू कबलन तमू तू डाई बिफोर डेथ यानी छोड़ दें बॉडी को बिल्कुल ढीला लाइफ के अंदर किसी मामले को भी सर पे सवार मत करें यकीन जानिए ज़िंदगी में ऐसा कुछ है ही नहीं जिसे सर पे सवार किया जाए हर मामले को इजी लें हम सीरियसली लेकर भी अपने आप को स्ट्रेसफुल करते हैं बीमार करते हैं हर मामले को इजी लें आप लाइफ को बहुत मज़े से गुजार पाएंगे आ जाएं जो कुछ भी हमने संजीदगी से और सीरियसली आज तक अपनी बॉडी पे लिया है बॉडी को स्ट्रेसफुल किया है आज उसको छोड़ते हैं ये सर भी भरा पड़ा है मामलात से स्ट्रेस से इमोशन से हालात वाकयात के असरात से क्योंकि लाइफ का हर मामला एक टारगेट है एक कंपटीशन है एक भाग दौड़ है और हम सुबह से लेकर शाम तक एक भाग दौड़ में तो होते हैं स्ट्रेस में तो होते हैं आए आज अपने आप को स्ट्रेस फ्री कर दें आप कर सकते हैं मैं आपको 100 परसेंट बता रहा हूँ कर सकते हैं मेरा तजर्बा है अपने हेड को मैसेज दें पैगाम दें ऐ मेरे हेड मैं तुझे इजी छोड़ रहा हूँ आई एम रिलैक्सिंग माय हेड मैं कौन हूँ मैं माइंड हूं मैं जहन हूं मैं मैं वो एनर्जी हूँ जो इस बॉडी को बॉडी के अंदर काम कर रही है कभी हाथ को इस्तेमाल करती है कभी आँखों को बंद करती है आप हाथ को ऊपर उठा सकते हैं पौ चला सकते हैं आँखें बंद कर सकते हैं तो क्यों नहीं आप अपने नर्वस सिस्टम को पैगाम दे सकते मैं अपने सर को ईजी छोड़ रहा हूँ आई एम रिलैक्सिंग माई हैड हेड के एक एक सिस्टम को एक एक सेल को पैगाम दें आपका पूरा हेड इजी होना शुरू हो जाएगा क्योंकि आपके हेड के सारे सेल्स लाइव हैं वो सुनते भी हैं वो समझते भी हैं आई एम रिलैक्सिंग माई हेड आई एम रिलैक्सिंग माई ब्रेन आई एम रिलैक्सिंग माई आईज आई एम रिलैक्सिंग माई फेस मेरा फेस ईजी हो रहा है होना ही होना है मैं बातचीत जो कर रहा हूँ मेरा दोस्त है ये जिसम ये मेरा जिसम है आई लव माई बॉडी आई रिस्पेक्ट माई बॉडी ये मेरा जिसम मेरी बात सुनेगा ऐ मेरे सर सारे तनाव को छोड़ दे ऐ मेरे सर ऐ मेरी आंखों, ऐ मेरी फे ऐ मेरे फेस ऐ मेरी गर्दन सारी स्ट्रेस को लेट गो कर दे छोड़ दे सारे तनाव को ऐ मेरे शोल्डर्स ईजी हो जाओ ऐ मेरे बाजुओं सारा तनाव छोड़ दो रिलैक्स हो जाओ ऐ मेरे सीने ये सीना बात सुनेगा आपकी सीने से फ्रेंडली बात करके देखें ऐ मेरे सीने ईजी हो जाओ एम मेरे दिल फेफड़ो ईजी हो जाओ रिलैक्स हो जाओ ए मेरी पूरी बॉडी ईजी हो जाओ आई एम रिलैक्सिंग माई बॉडी आई एम रिलैक्सिंग माई अपर मिडल एंड लोअर बैक आई एम रिलैक्सिंग माई टमी माई रिलैक्स माई नीज माई कॉफ्स माई फीट आई एम रिलैक्सिंग माई होल बॉडी मेरा पूरा जिसम फ्रॉम हैड टू तो टो तो रिलैक्स हो रहा है आप फील तो करें जिसम पे बाकायदा आपको सेंसेशंस फील होना शुरू हो जाएंगी कुछ निकलने लगेगा कुछ रिड्यूस होने लगेगा लहरों की शक्ल में बॉडी से वाइब्स डेटा जाने लगेगा आई एम रिलैक्सिंग माई बॉडी मेरी मेरा आंग आंग ईजी हो रहा है रिलैक्स हो रहा है रिलैक्स हो रहा है नाउ डीप ब्रिथें दोनों हाथों को रगड़ेंगे जी आपस में और अपने चेहरे पे दोनों हाथों को फेल और राइट करो लेकर उठ के बैठ जाएंगे थैंक यू वेरी मच जी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी थैंक यू आपकी सेहत आपके हाथ में है अगर आप अपने आप को फिजिकली मेंटली और स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज और हमारे यूट्यूब चैनल योगा पाकिस्तान को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें